हेलो डियर स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में मेरा नाम है मुकुंद कक्षा बारह गणित के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर सेवन के इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स के सवाल सो so, इंट्रीगेशन बाई पार्ट्स यानी खंडसा समाकलन आपका समाकलन का इंट्रीगेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके अंतर्गत आपके बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं ये सवाल आपको एक नंबर दो नंबर और पाँच नंबर तक में भी पूछे जाते हैं यहाँ तक कि आठ नंबर का लॉन्ग का सवाल भी आपको कई बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंड समाकलन के अंतर्गत बना है तो यहाँ पर टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने ले लें ताकि आपको और कहीं भटकने की जरूरत ना हो और पूरा रिवीजन खंड से समाकलन का जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए तो मात्र यहाँ पर मैंने बारह सवाल लिए हैं अगर ये बारह सवाल सिर्फ और सिर्फ ये बारह सवाल आप खंडसा समाकलन के अंतर्गत लगा ले जाते हैं तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी खंडसा समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन बारह सवालों के आधार पर आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए शुरू करते हैं तो खंडसा समाकलन की बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब यहाँ पर आपका बेसिकली फार्मूला है जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी एंड डी एक्स इसको हम फर्स्ट सेकेंड के तौर पे भी जानते हैं जैसे हमने इसको इसको फर्स्ट ले लिया इसको सेकेंड मान लिया तो फार्मूला आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि पहले वाले को बाहर रखेंगे दूसरे का समाकलन कर देंगे माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन एंड डी एक्स तो इस तरीके से हम फार्मूला करते हैं और ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन की अगर हम बात करें तो आपको कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स की पावर एक्स sec एक्स वन प्लस टेन एक्स डी एक्स दो हज़ार उन्नीस में पूछा गया ये सवाल है हमारा और करना किस तरीके से ध्यान देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ की पावर एक्स sec एक्स अगर हमने अंदर का गुणा अंदर गुणा करा दिया और प्लस की पावर एक्स sec एक्स इन का टेन एक्स एंड डी एक्स तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स sec एक्स एंड dx एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इ की पावर एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड डी ठीक है सो आई लेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको आई एल ए टी ई एक्सपोनेंशियल वाला होता है उसको हम आखिरी में रखते हैं ठीक है और सेक है हमारा टिक्नोमेट्रिक तो ये यानी टिक्नोमेट्रिक्नोमेट्रिक वाला फर्स्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल वाला हमारा जो है वो सेकेंड हो जाएगा यानी e की पावर एक्स को हम सेकेंड लेने वाले हैं ठीक है सो यहाँ पर सिंपली आईलेट आई के हिसाब से ये फर्स्ट और ये सेकेंड हमने कह दिया अब आईलेट वाला ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको जो एन में मैंने आपको लेक्चर दिए हैं वीडियो लेक्चर और वहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर सेवन जब समझाया है तो वहाँ पर मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई है ठीक है सो so, यहाँ पर हम बात करें फॉर्मूले के आधार पर सेक एक्स पहला बाहर रहेगा दूसरे वाले का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलन है ना और दूसरे वाले का समाकलन एंड डी एक्स

टेन एक्स एंड डी एक्स ओके सो यहाँ पर हमारे हमें क्या मिल जाएगा ये हो रहा है इकी पावर एक्स सेक एक्स माइनस इसको हम लिख सकते हैं इकी पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स एंड डी एक्स प्लस इ की पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स एंड डी एक्स ठीक है और सिंपली आपको पता ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हम आंसर दे देंगे e की पावर एक्स सैक एक्स प्लस एक, एक, एक अचर पद सी करके ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन के आधार पर यहां हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स मतलब एफ एक्स का अवकुलन एफ डेस एक्स डी एक्स अगर इस तरीके का कोई सिस्टम बन रहा है तो ये जो आंसर आ जाता है वो डायरेक्ट आपका की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आ जाता है की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आ जाता है अच्छा ये फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा अगर बहुविकल्पीय सवाल है क्योंकि फिर आपको पता है इस फॉर्मूले के आधार पर हम डायरेक्ट आंसर जो विकल्प होगा वो टिक कर सकते हैं ठीक है फिर आपको सॉल्व करने इतना सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी तो फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डे एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है हमारा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी ठीक है आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स दो हज़ार उन्नीस में पूछा गया सवाल है अच्छा सवाल है आई लेट के हिसाब से जाइए अगर तो आपको पता है आई एल टी ई आई लेट के हिसाब से एल्जेब्रिक पोर्सन जो होगा उसे फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल जो पोर्ट पोर्सन होगा उसको हमको सेकेंड लेना है ठीक है ना हाँ तो इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर खंडसा समाकलन करने वाले हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर अगर हम बात करें x, e की पावर x तो x, e की पावर x एंड डी एक्स और हम सिंपली इसको फर्स्ट इसको सेकेंड लेने वाले हैं है ना और क्या करेंगे कंस समाकलन में पहले वाले को बाहर रखते हैं दूसरे वाले का समाकलन माइनस पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन एंड डी एक्स तो यहां पर एक्स इकी पावर एक्स माइनस यहां पर बचेगा वन इन टू इकी पावर एक्स का समाकलन इकी पावर एक्स एंड डी एक्स तो सिंपली आंसर कितना जाएगा e की पावर x माइनस की पावर x प्लस सी और आप चाहो तो की पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं तो ये एक्स माइनस वन की पावर एक्स प्लस सी आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन की अगर हम बात करें तो आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स ये दो हजार उन्नीस और दो हजार बीस के सेट नंबर एक्स सी में पूछा गया सवाल है आपका खंड से समाकलन करना है यहाँ पर ठीक है और आईलेट को हम लोग ध्यान रखेंगे सवाल है आपके पास x sin x एंड dx ठीक है सो आईलेट के हिसाब से आई एल ए टी ई सो so, आईलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक जो फंक्शन होगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सेकेंड मानने वाले हैं तो यहाँ पर ये यह फर्स्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये यह सेकेंड हो जाएगा ठीक है तो पहले वाले को हम बाहर रखते हैं दूसरे वाले का समाकलन करते हैं तो x साइन x एंड डी एक्स ठीक है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स एक्स एंड समाकलन करने वाले हैं साइन x डी एक्स एंड डी एक्स ठीक है सो कितना मिल जाएगा एक्स माइनस का कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा वन इन टू माइनस का कॉस एक्स एंड डी एक्स ठीक है सो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स एंड डी एक्स और यहाँ पर हम ले ले हैं माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पचास की बात करें तो आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स दो उन्नीस में पूछा गया ये सवाल है ठीक है और यहाँ पर भी देखिए हमने 49 लगाया ये आपका फिफ्टी है सेम सवाल है कोई दिक्कत नहीं है ना so, सो एक्स कॉस एक्स डी एक्स अगर हम आईलेट की बात कर लेते हैं सो आई एल ए टी ई वही चीज़ है कि एल्जेब्रिक को हमको फर्स्ट रखना है और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमको सेकेंड रखना है तो ये हो जाएगा भाई फर्स्ट ये हो जाएगा सेकेंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो पहला वाला बाहर दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन है ना और दूसरे का समाकलन डी एंड ये डी एक्स ठीक है so, सो यहाँ पर x cos x का हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स का वन इंटू यहाँ पर हम ले रहे हैं sin x एंड डी एक्स ठीक है तो आंसर ये हो जाएगा x sin x माइनस साइन एक्स का आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी आंसर कितना हो जाएगा कि x sin x माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी तो ये क्वेश्चन नंबर इक्यावन की बात करें तो ये आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स दो हजार तेरह में पूछा गया ये सवाल है ठीक है सेम चीज यहाँ पर भी करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स एंड डी एक्स तो आईलेट को देखेंगे सबसे पहले हम लोग -E, तो आई एल ए टी ई तो आईलेट के हिसाब से पहले आएगा लॉगरिथम वाला ठीक है लघु गड़क वाला तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे देन आएगा एलजेब्रिक वाला तो इसको हम सेकेंड मानेंगे तो यहाँ पर लॉग वाले को हम फर्स्ट मानेंगे और एक्स ये जो दिया एलजेब्रा उसको हम सेकेंड मानने वाले हैं तो क्या करते हैं फॉर्मूले के आधार पर पहला वाला बाहर रहेगा लॉग एक्स बाहर दूसरे का समाकलन देन माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलन ठीक है लॉग एक्स का अवकलन देन सेकेंड का समाकलन एंड डी एक्स ये लेते हैं तो यहां से हमें मिलेगा लॉग एक्स अब यहां पर आएगा एक्स की पावर एक है तो वन प्लस वन वन प्लस माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स और एक्स का आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और डी यही मिलेगा तो यहाँ से तो हो जाएगा भाई लॉग एक्स इन एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक एक्स से हम सिंपली एक एक्स कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन टू एंड डी तो ये कितना हो रहा है वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस का वन अपॉन टू एक्स का करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी ठीक है सो आंसर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू देखते हैं और इससे पहले यहाँ पर हम एक लोग एक चीज़ और कर सकते थे कि यहाँ से हम एक्स स्क्वायर अपॉन फोर अगर हमने कॉमन निकाल लिया कितना एक्स स्क्वायर अगर आप फोर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास टू लॉग एक्स और माइनस वन प्लस सी इतना भी कर सकते थे ये भी आंसर हो जाएगा ठीक है क्या कर रहे हैं सिंपली आप समझ सकते हैं एक्स स्क्ला तो नहीं है तो दो का ऊपर नीचे गुणा कर लू अब दो का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो टू लॉग एक्स हो जाएगा है ना तो so ये यहाँ से इस तरीके से भी हम बना सकते थे देन हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू की अगर हम बात करते तो ये आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स दो हजार नौ और सत्रह में पूछा गया सवाल है कुछ नहीं सिंपल चीज़ है यहाँ पर हम ले लेंगे कि इसके साथ हम वन लेके ले चलेंगे सो वन इन टू का साइन इन्वर्स एक्स एंड डी एक्स अब आईलेट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो आई एल ए टी तो आईलेट के हिसाब से आपको इनवर्स वाला जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई क्या है इनवर्स के लिए सो so, इसको हमको फर्स्ट मानना है ठीक है और वन जाएगा एलजेब्रा में सो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ठीक है तो यहाँ पर सिंपली अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स वाला ये फर्स्ट हो रहा है और ये हो रहा है सेकेंड तो so, क्या करना है आपको पहले वाले को बाहर रखना है sin x बाहर आएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एंड एंड ये हो जाएगा है ना अच्छा वन का समाकलन एक्स हो जाएगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का अवकुलन वन अपॉन अंडरवूडो वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड इन टू का वन का हो जाएगा हमारा कितना x एंड डी एक्स ठीक है यहां पर ये इतना हो जाएगा अब इसको हम क्या कह सकते हैं भाई x साइन इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास इंट्रीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन dx एक्स तो यहाँ पर हम मानेंगे वन माइनस एक्स स्क्सर बराबर टी तो ये कितना मिलेगा हमारे पास माइनस टू एक्स डीएक्स बराबर डी टी तो यहां पर सिंपली हम कितना ले लेंगे कि एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन माइनस टू तो ये हम प्रतिस्थापित करते हैं यहां पर तो एक्स जगह माइनस टू इतना जाएगा। का 1 2 बाहर निकालते हैं तो ये एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का वन पॉइंट टू इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पावर माइनस का वन अपॉन टू एंड डी टी ठीक है सो एक्स साइन इनवर्स एक्स

एंड ये हो रहा है टी की पावर वन अपॉन टू प्लस सी तो यहाँ पर सिंपली दो से दो हम काट रहे हैं और टी के स्थान पे हमको रखना था वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है टी के स्थान पे वन माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे सो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स के लिए होता है एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तिरपन की बात करें तो आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स दो हजार अठारह में पूछा गया सवाल है सो तो जैसे हमने इनवर्स इनवर्स के के लिए लिए किया वैसे हम cos के लिए लगाने वाले हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू का वन इंटू डी एक्स तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट कॉस इनवर्स एक्स को इसको हम मानेंगे सेकेंड और हम सॉल्व कर देंगे तो खन समाकलन के लिए पहला वाला बाहर रहता है दूसरे वाले का समाकलन ठीक है देन माइनस इंट्रीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन कॉस इनवर्स एक्स एंड दूसरे का समाकलन ठीक है एंड डी एक्स ये करते हैं तो यहां से हमको क्या मिलने वाला है कॉस इनवर्स एक्स इन टू का एक्स माइनस अच्छा कॉस इनवर्स एक्स का होता है हमारे पास माइनस का वन अपॉन माइनस का वन अपॉन अंडर अंडरूड वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू का वन का हो जाएगा एक्स एंड ये इंटीग्रेशन एंड डी एक्स ठीक है माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे ये एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हम कर रहे हैं सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स ठीक है अच्छा यहाँ पर वही चीज है सेम वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम मानने वाले हैं सो माना वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी एंड माइनस टू एक्स dx बराबर डी टी so, सो यहां से हम ले रहे हैं x डी एक्स बराबर डी टी अपॉन माइनस टू ठीक है तो कितना मिलेगा x cos इनवर्स x प्लस और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट टी इन टू का डी टी अपॉन माइनस टू ठीक है सो एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस का वन अपॉन टू ये हो जाएगा और इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस का वन अपॉन टू एंड डी टी ओके सो so, ये एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस का वन अपॉन टू एंड ये है ले रहे हैं टी की पावर माइनस का वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन माइनस का वन अपॉन टू प्लस वन प्लस, वन प्लस सी ठीक है सो ये कितना हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस का वन अपॉइंट टू इन और ये यहाँ पर हमको कितना मिलेगा वन अपॉइंट टू मिलने वाला है टी uh, की पावर वन अपॉन टू अपॉन वन अपॉन टू प्लस सी सो एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू टू अपॉन वन एन टी की अंडर रूट टी प्लस सी ठीक है सो सिंपली हम दो से दो कैंसिल करने वाले हैं और टी के स्थान पे आएगा अंडर अंडर ऑफ टी के स्थान पे वन माइनस एक्स स्क्वायर था ठीक है टी के स्थान पे कितना था वन माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर सिंपली आंसर कितना हो जाएगा इस हिसाब से कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स तो इसके लिए निकल के आएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडरवुड ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौवन की बात करें तो आपको दिया है कि इंट्रीगेशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स दो हज़ार अठारह में पूछा गया सवाल है ठीक है और सेम हमने जैसे बावन किया साइन इन्वर्स एक्स के लिए तिरपन किया कॉस इन्वर्स एक्स के लिए फिर ये भी आपका कॉट इन्वर्स एक्स के लिए तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ से सवाल इन्वर्स के लिए जो भी है हम लगा सकते हैं आसानी से तो सिंपली हम ले लेंगे कॉट इन्वर्स एक्स इन टू का वन एंड डी एक्स और आई के हिसाब से ये फर्स्ट ये सेकेंड ठीक है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और कॉट इनवर्स एक्स ये कितना पहले वाले को हम बाहर रखेंगे दूसरे वाले का समाकलन देन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इंटू वन इंटू डी एक्स एंड डी एक्स ठीक है सो कॉट इनवर्स एक्स इंटू एक का हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स का होता है माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इनटू वन का होता है एक्स एंड डीएक्स सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेशन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड डीएक्स और सेम यहां पर हम मानेंगे माना वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी सो टू एक्स डीएक्स बराबर डीटी एंड ये कितना हो जाएगा x dx एक्स बराबर डी टी अपॉन टू इतना हम ले लेंगे ठीक है सो यहां पर हम कितना लेंगे कि x cot इनवर्स x प्लस और ये हो जाएगा वन अपॉइंटी इन टू का डी टी अपॉन टू सो वन 2 टू बाहर ले लेंगे x cot इनवर्स x cot इनवर्स x एंड प्लस का वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टी का हो जाएगा log टी प्लस सी और टी के स्थान पर हमको रखना है वन प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ से फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स बराबर एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी ये फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पचपन की बात करें तो ये आपको दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स दो हज़ार ग्यारह चौदह सोलह सत्रह उन्नीस में पूछा गया सवाल है ठीक है तो आईलेट के हिसाब से इसको भी हम करने वाले हैं ठीक है तो जरा समझेंगे सबसे पहली बात तो कि वन ले लेंगे तो लॉग एक्स इंटू वन इंटू डी एक्स और आईलेट की अगर मैं बात करता हूँ आई एल ए टी सो आईलेट के हिसाब से लॉग रथम वाला जो होगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे एलजेब्रिक वाले को सेकेंड मानेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट ये हो जाएगा सेकेंड और पहले वाले को हम बाहर रखते हैं दूसरे का समाकलन करते हैं लॉग एक्स इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स एंड वन इं टू डी एक्स एंड डी एक्स ठीक है सो सिंपली लॉग एक्स इंटू वन का हो जाएगा एक्स माइनस इंडिकेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू एक्स एंड डी एक्स तो यहाँ से हम ले रहे हैं लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस का इंडिकेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स ठीक है सो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी और एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से लॉग एक्स डी एक्स बराबर एक्स कॉमन निकाला सो लॉग एक्स माइनस वन प्लस ये सिंपली आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर छप्पन की बात करें तो आपको दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स दो हजार बारह में पूछा गया ये सवाल है कैसे करेंगे जरा ध्यान देंगे की एक्स की पावर एक्स को हमने एक साथ ले लिया एंड इसको ले लिया एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू एंड डीएक्स ठीक है अब क्या करेंगे इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड लेके सा समाकलन कर देते हैं तो एक्स, एक्स x की dx, dx, x e की पावर एक्स बाहर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू एंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू एंड डी एक्स और इस पूरी चीज का dx ठीक है अब समझ, समझना ज़रा ये तो है एक्स ई की पावर एक्स यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अब एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू है तो इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है क्योंकि एक्स के साथ किसी चीज़ का गुणा नहीं है सिर्फ प्लस वन है तो अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप जैसे करते आएँ वैसे ही करेंगे डायरेक्ट मतलब कि अगर x की पावर माइनस टू होता तो क्या करते आप कि x की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन अब x के साथ हम कुछ भी चीज घटा दें या जोड़ दें इससे फर्क नहीं पड़ेगा तो जैसे हम करते आएंगे वैसे ही होता जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर आएगा x प्लस वन की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इसी प्रकार से आ जाएगा समझ गया बात देन माइनस अब यहाँ पर x e की पावर x का अवकलन करने के लिए फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे हम लोग सो इंट्रीगेशन पहले वाले को बाहर रखते हैं दूसरे वाले का अवकलन देन प्लस दूसरे वाले को बाहर रखते हैं पहले वाले का अवकलन और यहाँ पर भी इन टू में x प्लस वन की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन एंड डी एक्स इतना निकल के आएगा ठीक है सो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है एक्स ई की पावर x एंड x प्लस वन की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन देन माइनस और ये वाला माइनस एक काम करेंगे ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस कर लेंगे सो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हमको मिल रहा है x e की पावर x प्लस ई e की पावर x एंड x प्लस वन की पावर माइनस वन एंड डी एक्स इतना हो रहा है ठीक है सो यहाँ पर हो गया माइनस एक्स ई e की पावर x एंड x प्लस वन की पावर माइनस वन प्लस e की पावर x कॉमन निकाला तो बचेगा x प्लस वन और इन टू में ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड डी एक्स हो जाएगा बिल्कुल अब यहाँ आपको दिख रहा है ये x प्लस वन एक्स प्लस वन कैंसिल आउट कर सकते हैं हम ठीक है तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा माइनस एक्स इ की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस इंट्रीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एन डी एक्स इतना ही बचेगा ठीक है भाई सो so, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस एक्स इ की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस इ की पावर एक्स प्लस सी ठीक है ये पद हमको इतना मिलेगा है ना यहाँ एल्फियम ले लेंगे अगर हम x प्लस वन का तो ये माइनस एक्स ई की पावर x e की पावर x का गुणा करेंगे x प्लस वन के साथ तो x e की पावर x प्लस ई e की पावर x ये मिलेगा और प्लस का अचर पद सी मिलेगा और सिंपली x e की पावर x माइनस और प्लस में ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा जो हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी इतना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सत्तावन की बात करें तो आपको दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है ये सवाल आपको दिया है अच्छा इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी कि अगर इस तरीके से दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ की पावर एक्स एंड एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स डी एक्स अगर ये दिया इस तरीके से यानी कि समाकलन इकी पावर एक्स एक फंक्शन एफ एक्स है और उसका अवकलन भी दिया है तो ये जो फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो जाता है ये हो जाता है इकी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी करके इतना फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ठीक है अब जरा गौर कर लो यही चीज जो आपको क्वेश्चन में दी है इसी अकॉर्डिंग है कि नहीं टेन इनवर्स एक्स हमारा फॉर्मूला है और उसका अवकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इस हिसाब से फॉर्मूले के आधार पे इसका आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्ट ई की पावर एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो इस आधार पे फंक्शन टेन इनवर्स एक्स है तो ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस ये आंसर हो जाएगा इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट करना चाहें मतलब डायरेक्ट तो ये हो गया फॉर्मूले के आधार पर सीधे सीधे लेकिन अगर हम विस्तार से एक एक चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप करना चाहें तो कैसे करेंगे कि इंट्रीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस इ की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है फिर हम इसको अलग अलग कर लेंगे तो इंट्रीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस इंट्रीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स ठीक है और इस पहले वाले हिस्से में इसको हम फर्स्ट मानेंगे इसको हम सेकेंड मानेंगे और सॉल्व कर देंगे आईलेट के हिसाब से इनवर्स वाला जो होता है वो पहले और एक्सपोनेंशियल वाला जो होगा वो हमारा सबसे आखिरी में जाएगा ठीक है सो टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ़ ऑफ़ की पावर एंड ये रहेगा और पहले वाले का तो हम अवकलन करते हैं सो टेन इनवर्स एक्स इन टू का दूसरे वाले का समाकलन डी एक्स एंड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स ठीक है ये इतना हो रहा है Then, यहाँ पर मिल जाएगा हमको टेन इनवर्स एक्स इन टू का इकी पावर एक्स माइनस समाकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा इंटू ई की पावर एक्स एंड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इकी पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स ठीक है सो यहाँ पर हमें कितना हो रहा है इकी पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीगेशन ऑफ इ की पावर एक्स अपॉन वन प्लस E so कैंसिल हो, हो जाएगा और यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी ये आंसर हो जाएगा अंठावन की बात करें तो आपको कह रहा है कि इंट्रीग्रेशन ऑफ एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स दो हज़ार अठारह में पूछा गया सवाल है ठीक है so, सो सिंपल चीज़ है करना क्या है हमको एक्स टेन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स ठीक है तो एल आईलेट के हिसाब से एल्जेब्रा जो होगा वो उसको फर्स्ट मान लेंगे और टिग्नोमेट्रिक वाले को सेकेंड मान लेंगे ठीक है so, सो एक्स पहले वाले को बाहर रखेंगे दूसरे वाले का समाकलन करेंगे एंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन डी एक्स एंड डी एक्स इतना मिलेगा हमको ठीक है अच्छा एक्स और टेन स्क्वायर का कितना भाई सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का अगर हम अवकलन करते हैं तो 1 मिले 10 10 वन मिलेगा इंटीग्रेशन टेन का टेन स्क्वायर का सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड डी एक्स ठीक है तो ये हो जाएगा बराबर x सेक स्क्वायर एक्स का होता है समाकलन टेन एक्स और वन का हो जाएगा x तो माइनस का x माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर भी देखो सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास क्या बचेगा टेन एक्स माइनस का x एंड डी एक्स इतना बच जाएगा ठीक है भाई सो यहाँ से हमें कितना मिल रहा है x टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स का होता है भाई log sec x log sec x एंड माइनस माइनस प्लस एंड ठीक है सो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड प्लस का सी ये पद मिल जाएगा अब यहाँ ध्यान दो कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये घट जाएंगे सो so हमें माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू मिल जाएगा सो so, आंसर आ जाएगा एक्स टेन एक्स माइनस का लॉग सेक एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी ये फाइनल आंसर हो जाएगा हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड के लिए आखिर आप क्या पढ़ें किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आ सकें कक्षा अच्छा बारह गणित के अंतर्गत तो मेरी थ्योरी के हिसाब से आपको ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देखिए अगर आप एन बुक से पढ़ रहे हैं तो एन बुक के अंतर्गत रिवीजन करने के लिए देखिए रिवीजन का वक्त है ये रिवीजन के लिए आपको मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दी तो उस वीडियो के आधार पर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा वहाँ से एन बुक से अगर आप एन बुक से तैयारी कर रहे हैं और अगर आप किसी रेफरेंस बुक का किसी प्राइवेट बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी प्रकाशन का अलग प्रकाशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप अगर एन बुक का तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिविजन कर सकें तो वहाँ से वो देखिए इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है तो क्वेश्चन बैंक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुक होती है ठीक है इसे यूपी बोर्ड में यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारे पास बुक होती है इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है इसके अलावा इसे राजस्थान में इसे आईडिया के नाम से जाना जाता है तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है आप उसको जरूर पढ़ें इसके अलावा आप अनसोल्ड लगाएं ठीक है अनसोल्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यानी कि लास्ट ईयर के पेपर ठीक है अनसोल्व आप हर हाल में लगाएं अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम अभी अगर जितना भी आपका समय है तो एक पेपर तो आपको लगा के लगा के जाना ही है ताकि आपको पता चले कि जो आपका पेपर आता है वो किस तरीके से आता है और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो कम से कम तीन से पाँच पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाएँ और जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उससे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जरूरी है तो इतना आप कर लेते हैं और अगर थोड़ी सी आपको किस्मत अच्छी रही और पेपर आपका बहुत बढ़िया आ गया ज़्यादा कठिन नहीं आया पेपर क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत कठिन दे दिया जाता है अगर पेपर सिर्फ मॉडरेट आया या थोड़ा सा स्लाइटली सिंपल आ गया तो आपको हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आने से कोई नहीं रोक सकता इसके अलावा ये तो कोई किस्मत की बात अगर थोड़ा सा सिंपल पेपर हो गया लेकिन अगर आपने जीतोड़ मेहनत करी है झोला छाप बोरा फाड़ के मेहनत करिए तो फिर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता तो ये सारी मेरी एक थ्योरी है जहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप एन बुक में मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाए हैं वो अच्छे से तैयार कर लें इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं और आप अनसोल्व देख सकते हैं अनसोल्ड आप जरूर देखा करें लास्ट ईयर के पेपर और वहाँ से आप तैयारी जरूर करें खास बात ज़रूरी ये है कि आपने अपना सिलेबस किस तरीके से तैयार किया है इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सिलेबस आपको आपके बोर्ड के अनुरूप जो आपके बोर्ड ने कम या ज़्यादा जो भी किया है उस अनुरूप आपने अच्छी तरीके से तैयारी की हो और आपके दिमाग में आपका सिलेबस जरूर हो तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेज वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें लाइव like क्लासेस के साथ साथ तो वहाँ पर आपको फ्री पी डी एफ नोट सोल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वीरी को सॉल्व कर सकते हैं यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़रूर फॉलो करें फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, में ही मिल जाएंगे सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत